हेलो एवरीवन, दिस इज़ द न्यू एपिसोड ऑफ प्रोहिबिदो सीरीज़। और ये बहुत ही स्पेशल और डिफरेंट है क्योंकि ये हमारे सीज़न 2 का फर्स्ट एपिसोड है। यस, वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू सीज़न ऑफ प्रोहिबिदो सीरीज़, प्रोहिबिदो लेट्स टॉक। अब तक सीज़न 1 में हमने स्पेसिफिकली टैबू पे बात करी है, हमने लव एंड रिलेशनशिप, डिप्रेशन, PDA जैसे काफ़ी अनडिस्कस टॉपिक्स पे बात करी है। लेकिन सीज़न 2 से प्रोहिबिदो लेट्स टॉक में हम ट्रेंडिंग, पॉपुलर, अनडिस्कस्ड, लेस डिस्कस्ड एंड यस टैबूज सभी टॉपिक कवर करेंगे, सभी के ओपिनियंस जानने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट इस एपिसोड का टॉपिक ही काफ़ी पॉपुलर और काफ़ी डिस्कस्ड है, इंजीनियरिंग क्यों, वाई इंजीनियरिंग। सो लेट्स सी काइट प्रमाइसिस में इंजीनियर्स के क्या व्यूज हैं इंजीनियरिंग को लेकर। सो वाई इंजीनियरिंग? Because I wanted to go in medical side, but my father told me that there is a lot of competition in medical and I need to dedicate more hours of study in it. तो वो मेरे बस की बात नहीं, उन्हें पता था, तो इसीलिए इंजीनियरिंग आ गई। Actually, engineering is like the option for a good option for everyone. Like जैसे बाकी आपकी जो ग्रेजुएशन डिग्रीज होती हैं उनमें कम ही चांसेस होते हैं कि आपको एक फाइनल में जॉब मिले, बट हाँ अगर आप इंजीनियरिंग पूरी करते हैं तो प्रॉब्ली है कि अगर आप स्किल्ड पर्सन हैं तो आपको एक अच्छी जॉब प्रोवाइड हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट और नॉट। बट इफ़ यू आर फाइंडिंग जस्ट अ जॉब, यू विल डेफिनेटली गेट इट इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन, बट इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट अदर थिंग्स देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। इंजीनियर ऐसे होते हैं जो कुछ भी काम कर सकते हैं, कोई भी मल्टी टैलेंटेड होते हैं, वो लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। वेल, आई चूज इंजीनियरिंग बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स बेसिकली, सो आई चूज मैकेनिकल ब्रांच। एंड आई वॉज इंटरेस्टेड इन रोबोटिक्स बिकॉज जब मैं छोटा था तब आयरन मैन आई थी उस टाइम पे, तो इंटरेस्ट बहुत जग गया था रोबोटिक्स में कि अब तो यही बनूंगा, आयरन मैन ही बनूंगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया मेरे को लगा कि यार ये थोड़ा आउट ऑफ रीच है, इतना तो नहीं बन पाऊंगा, पर मैं ही बनूंगा आयरन मैन। इंजीनियरिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट अ टेक्निकल एजुकेशन। अगर मैं अपने पर्सनली अपनी बात करूँ तो मैं इंजीनियरिंग में एडवेंचर और टेक्निकल दोनों लाइफ इंजॉय करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी है। हम सबको पता है कि जॉब सिनेरियो कैसा है इंजीनियरिंग के बाद, लेकिन फिर भी मोस्ट ऑफ यंगस्टर्स इसी में डाइवर्ट होते हैं, इसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा क्यों? द रीज़न इज़ बिकॉज आजकल मतलब IT सेक्टर में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है और IT सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, तो मेजरली जो भी मतलब इंजीनियरिंग लेते हैं मेन मतलब वो IT सेक्टर्स की तरफ ही जाते हैं क्योंकि उन्हें ग्रोथ दिखती है प्लस अपनी टेक्निकल स्किल्स ग्रूम करने के लिए एक स्कोप दिखता है। मे बी बिकॉज जैसे IT सेक्टर का हम एग्जांपल है, उसमें ज़्यादा ग्रोथ है, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, पीपल कैन सिट इन टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल बोथ, तो इसलिए वेरिएशन स्किल बेस्ड होता है, जिसमें ज़्यादा स्किल्स होती है उसे बेटर एम्प्लॉयमेंट होती है वहाँ पर। तो स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा क्यों नहीं जो एक्चुअली में आपका पैशन या हॉबी हो? वेल, मैं तो स्टार्टिंग से डिफेंस फोर्सेस में ही जाना चाहता था, ट्राई करा लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो मैंने यहाँ देखा यहाँ पे जैसे इंडियन नेवी आती है, इंडियन आर्मी आती है, तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी बढ़ गई। प्लस इसके साथ साथ जो है कि मैं जो बता सकता हूँ क्या कहते हैं, मेरे लिए प्लेसमेंट्स का क्राइटेरिया खुल चुका है, क्या कहते हैं बाकी जो मैं जिस चीज़ के लिए यहाँ पे आया हूँ जैसे डिफेंस फोर्सेज के, उसके लिए मेरा क्राइटेरिया खुला पड़ा है, तो उसके यही सब चीज़ें। इंजीनियरिंग में जैसे हम करते हैं कि मेनली थ्योरीज पढ़ लिया, फिर जो पढ़ाई से रिलेटेड काम है वो सब कर लिया, लेकिन जो जॉब सेक्टर में काम होते हैं वो पूरे टोटली डिफरेंट होते हैं, तो जो इस पर मास्टर कर जाता है कि जॉब में क्या होना है और रियल लाइफ में हम पढ़ क्या रहे हैं और करना क्या है, तो जो इसका डिफरेंस जो जान लेता है वो आगे कर पाता है और जो नहीं जान पाता वो लैग करता है। सर, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि लोग मैकेनिकल ब्रांच से पढ़ाई करते हैं लेकिन जॉब वो IT सेक्टर में है, तो ऐसा क्यों? मैकेनिकल ब्रांच से पढ़ाई करने के बाद जॉब IT सेक्टर में इसलिए लेते हैं क्योंकि मैकेनिकल एक तो मैकेनिकल की जो कंपनीज हैं जो आती हैं वो बहुत कम हैं और उनकी जो क्राइटेरिया होते हैं सिलेक्ट करवाने के वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हर कोई उसमें सिलेक्ट नहीं हो पाता है, तो इसलिए IT से ज़्यादा मतलब कोशिश करते हैं कि IT की ब्रांच में ही हो जाएँ क्योंकि वो मास रिक्रूटर होते हैं, वो ज़्यादातर को ले जाते हैं यहाँ से। कि आज की बात है इंजीनियरिंग में, सो वी आर ऑल्सो स्टूडेंट्स, सो ऐसा होता है कि अगर आप अपने फील्ड में आप इतने खास नहीं हैं बिकॉज वी डोंट टेक दैट टाइप ऑफ जॉब सीरियसली, और उसी बात डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, प्रोफेशन पर इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट। मान लीजिए अगर आपकी रैंक आपके डिज़ायर्ड ब्रांच के अकॉर्डिंग नहीं है सो आपको वो ब्रांच नहीं मिलेगी जिसमें आपको इंटरेस्ट है, बट स्टिल यू हैव टू डू बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशन, यू वांट प्लेसमेंट, यू वांट जॉब, सो इसलिए आपको ये करना पड़ जाता है। सो एक स्ट्रेट पाथ नहीं मिलता हमें। हाँ ये है कि अगर आप स्टिल इफ ओनली यू आर सर्चिंग फॉर अ ग्रेजुएशन और लाइक डिग्री ओनली देन इट्स ओके, बट आप
फॉलो अगर अपने पैशन को नहीं कर रहे हैं सो इट्स नॉट योर फॉल्ट इट मे बी ऑफ योर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ योर द स्टडी यू हैव डन टिल लेट. बस एक लास्ट क्वेश्चन, आई रियली डोंट वॉन्ट ऐसा किसी के भी साथ हो, पर अगर ये ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी डिजायर्ड जॉब या अपना डिजायर्ड करियर नहीं मिला तो क्या? I'll say this very big world to explore more. अगर जॉब सही नहीं मिलती है तो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ ख़त्म हो जाती है. बहुत ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप जॉब के साथ साथ बहुत चीज़ें कर सकते हैं. लाइक बहुत सारे जॉब वाले छोड़ के जॉब अपना यूट्यूब खोल देते हैं, यूट्यूब पे चैनल बना के हिट हो जाते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो दे जस्ट हैव टू एक्सप्लोर मोर इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर जॉब. बहुत सारे ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग जो है इंजीनियरिंग इटसेल्फ खोल देता है हम लोग के लिए. तो लाइक हाथ पैर कभी नहीं मारना छोड़ना चाहिए कहीं पे भी, तो हम लोग को उसी पे ट्राई करना चाहिए हमेशा, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ही. अलग अलग लोगों से बात करने के बाद, डिफरेंट ओपिनियंस लेने के बाद, हम इसी कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि इंजीनियरिंग लेने की वजह चाहे जो कुछ भी हो, सेल्फ मोटिवेशन, पीयर प्रेशर या लैक ऑफ नॉलेज, आप हमेशा उस ब्रांच में, उस फील्ड में स्विच कर सकते हैं जो आपके लिए बेस्ट है या जिसमें आप बेस्ट कर सकते हैं. पर ज़रूरत है सेल्फ डिस्कवरी की एंड राइट डिसीजन मेकिंग की, बिकॉज योर फ्यूचर विल ओनली बी ब्राइट व्हेन योर डिसीजंस आर राइट एंड इन द राइट डायरेक्शन. थैंक यू एवरीवन.